नमस्कार सो वी हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग फ्यू सेक्शंस ऑफ इनकम टैक्स एंड एज आई टोल्ड यू वी आर क्रिएटिंग अ बैकग्राउंड स्टोरी फॉर इनकम टैक्स अव रोड मैप थ्रू विच वी आर गोइंग टू गो और एक बार रोड मैप क्लियर होता है क्योंकि इनकम टैक्स का ब्यूटी ऐसा है एवरी सेक्शन और एवरी चैप्टर इज इंटर कनेक्टेड एंड इंटर डिपेंडेंट तो so, इनफैक्ट आपको चैप्टर नंबर वन समझने के लिए यू नीड टू हैव नॉलेज ऑफ ऑल द चैप्टर्स इन इनकम टैक्स तो चैप्टर नंबर वन इज कॉल्ड बेसिक चैप्टर बट दैट इट्स सेल्फ रिक्वायड नॉलेज ऑफ ऑल द अदर चैप्टर्स चैप्टर नंबर टू इज रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर नंबर थ्री इज योर एग्जम इनकम तो हर एक चैप्टर को हम इंटरकनेक्टेड देखते हैं तो वन थिंग आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू इज टू नॉट मिस लेक्चर्स अगर बाई चांस बहुत एक्सट्रीम रेयर सरकमटांसेस में लेक्चर मिस होता है तो ट्राई टू फिनिश लेक्चर्स वॉचिंग ऑनलाइन जो हमारा यूट्यूब प्रोसेस होता है एज अर्ली इज इज पॉसिबल दूसरा लेक्चर चालू होने से पहले आपको देखना चाहिए बहुत बड़ा गैप आता है बैकलॉग क्रिएट होता है दो तीन लेक्चर होते हैं तो मुझे आके बताओ एक दिन गैप लेते फिर आप कंप्लीट करो एंड देन वी विल गो हैड क्योंकि अगर आपने लिंक तोड़ दिया तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप विथ इनकम टैक्स तो वो लिंकेज कैसे है हर टॉपिक एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है वही हम यहां पे कनेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं सो वी आर इंटू वॉट वी आर इन टू इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन आप कोई भी लॉ पढ़ते हो तो पहले उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पढ़नी होती है ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में करेंगे जब जीएसटी स्टार्ट करेंगे तब करेंगे लेकिन इनकम टैक्स का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी होना चाहिए आपके माइंड में अगर कोई पा, कोई क्लाइंट आपके पास आता है और बोलता है कि सर मैंने अगर टैक्स नहीं भरा तो या कहाँ लिखा है कि टैक्स भरना ही पड़ता है या ऐसा कोई रेफरेंस आप दे पाओगे क्या कि टैक्स भरना मैंडेटरी है क्योंकि लोग तो ऑप्शनल लेते हैं लोग कहां सीरियसली लेते हैं टैक्सेशन सिस्टम को फिर आप बोलोगे नहीं नहीं गवर्नमेंट आपको नोटिस भेजेगा आपका बैंक अकाउंट सीज करेगा ये करेगा तो गवर्नमेंट को किसने पावर दी और कौन सी गवर्नमेंट मेरी पहचान है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में मैं देख लूंगा तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट रन करता है हमारी दो गवर्नमेंट है ना इंडिया इज अ फेडरल स्ट्रक्चर वी आर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया आप समझते हो क्या इस सेंटेंस को जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वैसे वी आर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया वी आर नॉट वन नेशन वी आर ट्वेंटी एट स्टेट देन यूनियन टेरिटेज इन सबको मिला के हम एक क्या बनते हैं देश बनते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेव सेपरेट जूरिडिक्शन जूरिडिक्शन समझता उनका अलग से ऐसा ओके okay, ये एरिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है ऐसा नहीं है ऑल द स्टेट्स कंबाइन दे फॉल अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है ना गवर्नमेंट तीन लेवल पर हम बात करेंगे आज अभी थोड़ा जनरल नॉलेज अगेन इनकम टैक्स से लेना देना नहीं है बट यू नीड टू हैव अ जनरल नॉलेज जो भी नेशंस होते हैं उसको या तो स्टेट गवर्नमेंट रन करता है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट रन करता है बाकी जो देश होते हैं जैसे यूनाइटेड किंगडम यूके वहां पे पूरा देश का एक ही गवर्नमेंट चलता है दुबई एक ही देश है पूरा एक ही पूरा देश क्या करेगा एक ही गवर्नमेंट सिंगल गवर्नमेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑब्वियसली एवरी स्टेट्स हैव देर ओन लॉ कैलिफोर्निया का लॉ अलग है मेक्सिको का लॉ अलग है अपने मूवीज में देखा होगा वो क्राइम एक जगह पे करते हैं दे ऑलवेज ट्राई टू क्रॉस द बॉर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट क्योंकि एक बार बॉर्डर क्रॉस कर लिया देन दिस दिस पुलिस कैन नॉट टेक एक्शन इन दैट स्टेट दैट इजीली क्योंकि वहां पर स्टेट लॉ बहुत ज्यादा प्रिविलेंट लॉ है तो इंडिया में क्या चलता है इंडिया में हाइब्रिड सिस्टम है उसको ही हम फेडरलिज्म बोलते हैं मतलब हमारे यहां पे दो गवर्नमेंट होगी दो सरकार होगी आपकी राज्य सरकार भी होगी और देश की सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी यूनियन की सरकार भी होगी अब दो सरकार बोले तो दो टाइप के रोड बनेंगे नेशनल गवर्नमेंट रोड बनाएगी उसको हम नेशनल हाईवे का नाम देंगे स्टेट गवर्नमेंट रोड बनाएगी उसको हम स्टेट हाईवे का एस का नाम देंगे और तीसरी जो गवर्नमेंट होती है जिसको आप लोकल अथॉरिटी बोलते हो या लोकल बॉडी बोलते हो वो आपकी ये ग्राम पंचायत नगर परिषद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये जो इंटरनल रोड होते हैं वो थर्ड गवर्नमेंट बनाती है लेकिन हम उसको गवर्नमेंट नहीं बोलते हम उसको लोकल बॉडी बोलते हैं उसका नाम क्या है लोकल बॉडी ठीक है ना ये समझ में आ रहा है आपको मैंने क्या बोला तीन टाइप के गवर्नमेंट ठीक है ना तो पूरा देश चलाने के लिए कौन सी गवर्नमेंट हमने बनाई है सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है ना स्टेट चलाने के लिए कौन सी गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट वैसे तो अगर नीचे नीचे जाओगे तो जिला चलाने के लिए यू नो जेड होता है फिर देन जिला परिषद होती है फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चलाने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है गाँव गाँव चलाने के लिए ग्राम पंचायत होती है तो हर एक लेवल पे हमने उसको डिवाइड किया है लेकिन लेट्स कॉल ऑल अदर बॉडीज़ एज अ लोकल बॉडीज ठीक है ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज तो हर गवर्नमेंट अपना टैक्स लेती है क्योंकि हर गवर्नमेंट चलाने के लिए गवर्नमेंट मतलब क्या अगेन बाई द पीपल फॉर द पीपल समझ में आ रहा है मतलब हम सब पैसे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं वो एरिया चलाने के लिए तो गांव अगर आपके गाँव में अगर कोई एक्टिविटी करनी है गांव में अगर स्ट्रीट लाइट लगानी है गांव के अंदर रास्ते बनाने तो पैसे कौन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा वो गाँव वाले का लेंगे ना लेकिन अगेन स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको थोड़ा फाइनेंस होता है थोड़ा सब्सिडी मिलता है थोड़ा हेल्प मिलता है ग्रांट मिलता है और उसी के लिए ग्राम पंचायत लेवल पे फाइट बहुत ज्यादा तगड़ा रहता है क्योंकि ऊपर से जो पैसे आते हैं थोड़ा यू नो थोड़ा एडजस्ट करने के लिए मजा आता है उनको तो थोड़ा एडजस्टमेंट हर जगह चलता है तो दो स्टेट दो गवर्नमेंट की बात आप करो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स अभी इनकम के ऊपर लगता है तो राइट नाउ वी आर अर्निंग इनकम इन महाराष्ट्र तो विच स्टेट गवर्नमेंट कैन चार्ज इनकम टैक्स और कैन स्टेट गवर्नमेंट चार्ज इनकम टैक्स महाराष्ट्र में मैं इनकम कमा रहा हूं तो क्या महाराष्ट्र की गवर्नमेंट मेरे पे टैक्स लगा सकती है क्योंकि महाराष्ट्र की भी अपनी गवर्नमेंट है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है करके आपको महाराष्ट्र पुलिस देखने मिलता है नेवी की बात करते हो तो आर्मी की बात करते हो तो इंडियन नेवी इंडियन आर्मी होता है मतलब एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो होती है वो आर्मी हैंडल करती है इंटरनल सिक्योरिटी जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है आप कर्नाटका में जाते हो तो आपको महाराष्ट्र पुलिस नहीं दिखेगी वहां पे वहां पे मतलब पुलिस जो रहती है वो कर्नाटका की रहेगी आपने स्टेट स्कूल भी देखे रहेंगे स्टेट बोर्ड ना अंदेन आपने नवोदय जैसे यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड स्कूल भी देखे होंगे हॉस्पिटल भी दो टाइप के होते हैं योजनाएं जो होती है वो दो टाइप की होती है स्टेट गवर्नमेंट की अलग होती है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग होती है मतलब दो गवर्नमेंट कंटिन्यूसली रन हो रही है आपके आजू बाजू में समझ रहा आपको रेलवे किसकी है सेंट्रल गवर्नमेंट की है रेलवे किसी स्टेट गवर्नमेंट की है ही नहीं तो आपके स्टेट में से जाती है ना रेलवे तो आपके लिए दो गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली काम कर रही है एक्चुअली तीन लेकिन मेनली दो ठीक है ना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडी लेकिन हम दो की बात कर रहे हैं अभी हमारा महाराष्ट्र का लॉ बनता है कहां बनता है पार्लियामेंट में नहीं बनेगा पार्लियामेंट में देश का लॉ बनता है हमारा बनता है विधानसभा जो मुंबई में है महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई तो मुंबई में विधानसभा है हमारे लोगों को हम स्टेट के लोगों को हम एम एल ए बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर समझ में आता है असेंबली समझ में आता है असेंबली मतलब साथ में आए हैं बीच वाला वर्ड क्या है लेजिस्लेटिव ही मैंने बताया लेजिस्लेचर क्या बनाते हैं लेजिस्लेशन बनाते हैं तो जहां लेजिस्लेशन बनता है वो कमेटी को हम क्या बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली इसलिए उनका नाम होता है एम एल ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और किसी किसी स्टेट में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है दर इज अ काउंसिल काउंसिल जो कमेंट देता है एक कमेटी में क्या कम, अंदर की कमेटी सीनियर कमेटी अपने जैसे कंपनी में चीफ ऑफिसर्स है वैसे काउंसिल होती है हम तो ये समझ में आ रहा है आपको तो महाराष्ट्र के लॉ कौन बनाता है विधानसभा कर्नाटका के लॉ कौन बोलता है विधान सौदा जो कहां पे है बेंगलुरु में है केरला के लॉ कौन बनाता है नियम सभा वो उनका तिरुअनंतपुरम में है त्रिवेंड्रम में है मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास भी ताकत है क्या बनाने की लॉ बनाने की स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बनाते सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बनाते तो और जोग्राफिकल जुरिडिक्शन कॉमन है मतलब महाराष्ट्र में जो लॉ बनेगा पूरे महाराष्ट्र पे एप्लीकेबल होगा येस और देश में जो लॉ बनेगा पार्लियामेंट में जो लॉ बनेगा वो भी महाराष्ट्र के ऊपर अप्लाई होगा मतलब उनका जोग्राफिकल एरिया सेम है तो क्या दो गवर्नमेंट में फाइट हो सकती है खास करके तब जब यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग हो सरकारें अलग अलग हो जैसे केरला में कांग्रेस है और यूनियन में बीजेपी है अभी कर्नाटका में कांग्रेस है और यूनियन में बीजेपी है महाराष्ट्र में कांग्रेस वगैरह वो सब थे वो सब निकाल के फिर ये लोग ने कुछ ट्राई पार्टी महाराष्ट्र का जाने तो बात ही नहीं करते अलग टॉपिक हो जाएगा इट इज वेरी कन्फ्यूजिंग ओल्ड शिवसेना न्यू शिवसेना ओल्ड राष्ट्रवादी न्यू राष्ट्रवादी कौन किसके साथ है चार्ट बना के भी कन्फ्यूजन होगा तो वी नीड स्टेबलाइज गवर्नमेंट सो दैट वी कैन हैव स्टेबलाइज पॉलिसीज लेकिन अपना क्या है तो है अभी पॉलिटिक्स इज आना आनाटी तो बिजनेस तो वो भी बिजनेस ही है लोग कर रहे हैं तो जब गवर्नमेंट अपोजिट होती है तो क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट कल ये बोल सकती है कि महाराष्ट्र का एक भी पर्सन क्योंकि हाइएस्ट इनकम टैक्स इज पेड बाय महाराष्ट्र स्टेट इएस्ट जीएसटी इज गेटिंग पेड बाय महाराष्ट्र और महाराष्ट्र मतलब यू डोंट हैाउड इज मुंबई क्योंकि वहां पर सबके मेन मेन कॉरपोरेट ऑफिस मेनली इन मुंबई है ना तो वो लोग काउंट महाराष्ट्र में होता है अगर मुंबई सेपरेट कर दोगे महाराष्ट्र से तो महाराष्ट्र भी एकदम ऐसा नॉर्मल मामूली स्टेट दिखना चालू हो जाएगा ह्यूज टैक्स महाराष्ट्र पे करता है तो कल क्या महाराष्ट्रियन लोग साथ में आके ये बोल सकते हैं वी विल नॉट पे सेंट्रल इनकम टैक्स लेट्स पे महाराष्ट्र इनकम टैक्स आपका जीएसटी कैसा होता है आधा आधा बात कर लेते हैं ना दोनों हाँ सी जी एस टी मतलब महाजीएसटी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी वैसे इनकम टैक्स में भी करते हैं ना या तो पूरा हमारा पूरा आपका नेगोशिएशन वहाँ से स्टार्ट होता है फिर वो झगड़ा कहाँ पे आके सेटल होता है नहीं नहीं चलो आधा आपका आधा हमारा वैसा इनकम टैक्स में हो सकता है क्या क्यों नहीं जब मुंबई पोर्ट पे माल इंपोर्ट होता है यहां पे इंपोर्ट होता है तो कस्टम्स ड्यूटी कौन लेगा यूनियन गवर्नमेंट लेगा कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट लेगा कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट मुंबई में हुआ है मुंबई महाराष्ट्र में आता है स्टेट गवर्नमेंट लेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा अरे गेस करो मैं आपको मैं आपने कहा कस्टम्स पढ़ा है आपको लग रहा है ना ऐसा ऐसा है नहीं यूनियन गवर्नमेंट ही लेता है क्योंकि कस्टम्स भी यूनियन लॉ है कस्टम्स भी क्या है तो कुछ आर्टिकल्स आपको मैं जीएसटी में पढ़ाऊंगा यहां नहीं पढ़ने हैं जीएसटी में पढ़ाऊंगा उसमें का पहला आर्टिकल है आर्टिकल 265 सिक्सटी फाइव जब भी मैं आर्टिकल लिखता हूं तो मैं सी ए का आर्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के चैप्टर्स की बात कर रहा हूं भारतीय संविधान विच इज नोन एज अ सुप्रीम लॉ ऑफ अ नेशन कोई भी एक्ट इनकम टैक्स जीएसटी कोई भी कंपनी दैट कैन इट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ नहीं होता भगवान भी नहीं भगवान भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर होता है कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट टू हैव अ रिलीजियस बिलीफ दिया हुआ है आपका खुद का राइट right है यू कैन चेंज यूअर रिलीजन ये राइट right कहां पे दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है इसलिए आपको जो मर्जी करे उस भगवान को आप फॉलो करते हो अगर इस्लामिक नेशन वगैरह होता तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है दिस नेशन इज एन इस्लामिक नेशन वहां पे एक ही रिलीजन प्रैक्टिस होगा दैट इज इस्लाम हमारे देश में ऐसा नहीं है आपको जो रिलीजन प्रैक्टिस इन नॉट दैट विच रिलीजन यू आर बॉर्न टू आपको जो फॉलो करना है वो फॉलो करो इनफैक्ट मैं तो कभी कभी बोलता है आपके पास इतने भगवान के ऑप्शन है जीजस क्राइस्ट है अल्लाह है जैन धर्म है बुद्धिज्म है हिंदुज्म है दुनिया भर के हमारे तो मेन डिविजन्स है कोई जो फॉलो करना है वो फॉलो करो फुल फ्रीडम है आपके पास उसके अंदर भी सब डिविजन होते हैं ठीक है ना और हिंदू में जब आते हैं तो बाकी तो फिर भी ठीक है क्रिश्चियन लोग एंड मुस्लिम लोगों के मिले मुझको थोड़ा अच्छा लगता है कि वो लोग कंफ्यूज नहीं है उनका सारा जो नीड होता है एक ही भगवान हमारे हिंदू लोगों में नीड के हिसाब से शक्ति चाहिए जिम में जाइए तो मारुति को हनुमान की पूजा करते हैं हाँ विद्या चाहिए तो सरस्वती की पूजा करते हैं धन चाहिए तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं ऐसे हमारी नीड के हिसाब से हमने अलग अलग गॉड बना के रखे और ब्यूटीफुल चीज देखो हम पर्वत नदी पत्थर माती सबकी पूजा करते हैं मतलब हिंदुज़्म में वो एक अच्छी बात है कि यूनिवर्स के जितने भी एलिमेंट हैं प्राणी पक्षियों की भी पूजा होती है क्योंकि कोई भी हमारा एक भी ऐसा गॉड या गॉडिस नहीं है जिसके आजू बाजू में प्राणी और पक्षी नहीं है डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमको बचपन से सिखाया गया है कि प्राणियों की भी क्या करो पूजा करो तो हम प्राणियों की भी पूजा करते हैं आपने देखा होगा तो शिव होता है तो नंदी की पूजा करते हैं वो कार्तिक होता है तो मोर की पूजा करते हैं गणेशा होता है तो चूहे की भी पूजा की जाती है सबका अपना अपना है ठीक है ना सबके अपने अपने फ्लावर्स भी है फेवरेट फ्लावर्स सबके अपने अपने फेवरेट फ्रूट्स भी है इनफैक्ट कुछ कुछ पत्ते हैं ना जो ना ही फूल है ना ही फ्लावर है ओनली लीव्स है उसका भी अपना एक वजूद है जो नया हार्वेस्ट होता है उसकी भी पूजा होती है हम नया घर लेते हैं घर की पूजा करते हैं हम नई भूमि लेते हैं भूमि पूजन करते हैं नया तालाब या नया वीर जो भी बनाते हैं उसकी पूजा करते हैं जितने भी एलिमेंट है हमारे यहाँ पे वायु देवता है हमारे यहाँ पे जल देवता है सूर्य देवता है चंद्र देवता है तो हम हर यूनिवर्स के एलिमेंट की डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत पहले से पूजा करते थे बिकॉज वी अंडरस्टूड लॉन्ग बैक कि हम लोग और यूनिवर्स दो अलग अलग चीजें नहीं है हम दोनों एक ही है तो आप या तो जो कैलेंडर गॉड होते हैं उनकी पूजा कर सकते हो या जो नेचुरल एलिमेंट होते हैं उनकी पूजा कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी कानून आपको रोकेगा नहीं इनफैक्ट आपको ये सब नहीं अच्छा लगता यू कैन क्रिएट योर ओन आइडल जो भी कुछ भी आपको बनाना है बनाओ पत्थर लेके जाओ कुछ लेके जाओ और बोलो ये मेरा भगवान ये रिमोट कंट्रोल मेरा भगवान कोई आपको आके बोलेगा नहीं कि ये ऐसे नहीं होता हमारे देश में कैसे भी होता है इस योर बिलीव सिस्टम दैट यू कैन क्रिएट योर ओन गॉड इतना फ्रीडम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है हुँ? थोड़ा आगे जाके ये भी बोलता हूं कि आइदर यू कैन बिलीव इन द गॉड्स दैट एग्जिस्ट अराउंड दिस लॉक लगाया क्या आईदर यू कैन बिलीव इन द गॉड्स विच आर एग्जिस्टिंग अराउंड हज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने यह भी पावर दिया है दैट यू कैन क्रिएट एंड यू कैन डिक्लेयर यूर सेल्फ एज अ गॉड तुम खुद भगवान बन सकते हैं कभी कभी नहीं है कि मैं मैं भगवान है कोई आपको रोकता नहीं है करने से क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उतना फ्रीडम है आप कॉन्स्टिट्यूशन को प्लीज ऐसा खाली वो भारत के संविधान और उसका एक जो पहला पेज आपने बचपन से मी भारता नागरिक ये सगड़े माँजे बंधु भगिनी आ एक्सेप्ट टू थ्री ऐसा जो तुम करते थे ना तुमको कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो पता ही नहीं है इतना पावरफुल डॉक्यूमेंट है ना कॉन्स्टिट्यूशन वो धीरे धीरे जैसे आप लॉ में जाओगे आपको पता चलेगा आर्टिकल 265 नहीं होता ना आप लोगों की इतनी वाट लगती है हमारे देश में आर्टिकल 265 हमें प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 265 बोलता है नो टैक्सेस कैन बी लेविड इन इंडिया एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ क्या बोलता है नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड इन इंडिया कोई भी टैक्स इंडिया में लग नहीं सकता एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ इसका मतलब होता है कि पहले एक्ट बनेगा और फिर टैक्स लगेगा उल्टा नहीं कर सकते आप कि पहले टैक्स लगा दो इमरजेंसी में और बाद में उसका बैठ के क्या बना लेंगे एक्ट बना लेंगे ऐसे नहीं होता आर्ट, कौन सा आर्टिकल प्रोटेक्ट करता है ये करने से कल पता चला मोदी अंकल के मन में आ गया भाइयों बहनों सुबह आठ बजे आ गए सॉरी सुबह नहीं शाम को आठ बजे आ गए बोले कल से ये टैक्स कल से पेट्रोल टैक्स कल से ब्रीदिंग टैक्स कल से ओ टैक्स जो मोटे लोग हैं अस्सी किलो के ऊपर है वो लोग एक किलो का हज़ार रुपये टैक्स भरेंगे ऐसा कोई भी टैक्स देश में आ सकता है क्या नहीं आ सकता कौन प्रोटेक्ट करता है हमें आर्टिकल टू वो हम बोलते हैं पहले पार्लियामेंट में कानून पास करो और पार्लियामेंट में कानून पास करना इतना आसान नहीं आप अगर उ, कभी भी उनकी अगर प्रोसीडिंग देखोगे क्या चिल्लम चाली होती है वहाँ पर इतना आसान नहीं है लॉ बनाना 540 लोगों को कन्विंस करना है कि ये लॉ क्यों बनना चाहिए इट्स अ वेरी डिटेल्ड प्रोसीडिंग्स तो ये समझ में आ रहा एक आर्टिकल फिर आप बोलोगे सर फिर लॉ बनता कैसे है तो मैंने फिर वो बताया आर्टिकल 245 ये खाली याद रखना आपको जनरल नॉलेज के हिसाब से क्योंकि ये सब कुछ कहाँ पढ़ना पढ़ना है हमें जीएसटी में सर जीएसटी में पढ़ाऊ ना फिर दो बार पढ़ाऊंगा कोई प्रॉब्लम है नहीं ना थोड़ा दो बार पढ़ाऊंगा तो थोड़ा याद होने के चांसेस है तो पहला आर्टिकल कौन सा रेफर किया टू इनकम टैक्स एक्ट का क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भारतीय संविधान का आर्टिकल है hmm? अम्बेडकर कमेटी वगैरह जो वो लोग थे उन्होंने जब भारत बना था भारत की खुद की आइडेंटिटी बनी थी तब उन्होंने ये सब लिखा है आर्टिकल 245 पावर देता है लॉ बनाने की और पावर दो लोगों के पास है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट एंड अभी मैंने क्या बोला टैक्स तब लगेगा जब क्या पास होगा एक्ट पास होगा तो एक्ट बनाने की पावर किसके पास है कनेक्ट करने का ट्राई करो एक दूसरे से पार्लियामेंट के पास है सेंट्रल गवर्नमेंट से. का पूरे देश का पूरे इंडिया का पावर बनेगा ठीक है ना एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास किसका लॉ है बनाने का स्टेट का तो महाराष्ट्र अलग और इंडिया अलग ऐसा ऐसा नहीं है ना महाराष्ट्र इज अ पार्ट ऑफ इंडिया तो इंडिया के कानून महाराष्ट्र के ऊपर लगेंगे क्या हाँ महाराष्ट्र के कानून महाराष्ट्र पे लगेंगे क्या हाँ तो ओवरलैप हो सकता है ना कल महाराष्ट्र गवर्नमेंट बैठ के बोल सकती है ना कि मैं अपना इनकम टैक्स बनाऊंगी मैं अपना कस्टम्स बनाऊंगी तो वो अलाउड नहीं है आपको लॉ बनाने का पावर दोनों को है लेकिन दोनों के पावर डिवाइड करता है आर्टिकल 246 आर्टिकल 246 क्या करता है पावर डिवाइड करता है कि दोनों को पावर दोनों को है लेकिन सेम टॉपिक के ऊपर नहीं टॉपिक अलग अलग है आप लोगों के समझ में आ रहा है तो टॉपिक अलग अलग कहां पे है तो ये लिखा गया सेवेंथ शेड्यूल में कहा लिखा गया है जैसे हमारे लॉ को शेड्यूल होते हैं वैसे कॉन्स्टिट्यूशन को भी क्या है

यूनियन लिस्ट का ये मतलब होता है कि इस लिस्ट में जो 99 आइटम हैं उनके ऊपर लॉ ओनली एंड एक्सक्लूसिवली विल बी मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में जो लॉ लिखे जाते हैं जैसे वैट कहां पे लिखा होगा स्टेट लिस्ट में लिखा होगा तो वैट सेंट्रल गवर्नमेंट बना ही नहीं सकती वैट का लॉ वैट का कानून या लीकर के ऊपर की पॉलिसी गोवा में दारू सस्ता है महाराष्ट्र में एवरेज है कर्नाटका में एंड गुजरात में महंगा है ये कौन डिसाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है पेट्रोल के ऊपर की ड्यूटी कौन डिसाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है वैट समझ में आ रहा है तो ये स्टेट का पावर है और क्योंकि ये स्टेट का पावर है हम सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते वो उनकी मर्जी है उनकी मनमानी है कंकरेंट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट में कोई टैक्स का मैटर ही नहीं है मैटर नहीं तो मैं डिस्कस नहीं करता तो फॉरेस्ट के मैटर रिवर के रिलेटेड मैटर कुछ ऐसा नेचुरल लॉज वगैरह जो होते हैं वो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं आप यहाँ पे दोनों मिलके लॉ बनाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट तो आप बोलोगे तो सर जीएसटी तो दोनों का होता है सी जीएसटी एच से होगा नहीं 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 जीएसटी एक अलग ही मैटर है जीएसटी ओरिजिनली जब लॉ बना था तभी जब पार्लियामेंट ने यह सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था तभी जीएसटी ऐसा कुछ था ही नहीं तो जीएसटी लाने के लिए एक नया ही आर्टिकल आया है मार्केट में आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स ए यहां पे दोनों मिलके लॉ बनाते हैं और अलग ही आर्टिकल है जीएसटी का मैटर ही अलग है लेकिन आप यहां पे समझो स्टेट लिस्ट होता है और यूनियन लिस्ट होता है तो इनकम टैक्स कहां लिखा है मुझे खाली उतना बता दो इनकम टैक्स कहां लिखा है यूनियन लिस्ट में लिखा है यहां तक समझ में आ रहा है इसलिए इनकम टैक्स कौन कलेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट वैसे कस्टम्स भी इसके ऊपर 81, 82 के ऊपर एक एंट्री क्या है 81. कस्टम्स भी कहां पे लिखा है यूनियन लिस्ट में इसलिए मुंबई में भी अगर गुड्स इंपोर्ट होंगे तभी भी कस्टम ड्यूटी कौन लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट तो उन्होंने अपने कानून बांट के लिए कि तुम कस्टम्स बनाएगा इनकम टैक्स बनाएगा सेंट्रल एक्साइज बनाएगा उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे स्टेट वाले स्टेट एक्साइज बनाएंगे वैट बनाएंगे उसमें सेंट्रल वाले इंटरफेयर नहीं करेंगे समझ में आ रहा exclusive. Exclusive मतलब है एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव मतलब ये तेरा एक्सक्लूसिव या हमारा एक्सक्लूसिव ऐसे चलता है और कोई तो एक लॉ बना जीएसटी जो यहां पे दोनों मिलके काउंसिल बना के बात करते जीएसटी की बातें अलग होती है इसके बाद जीएसटी की बातें चालू हो जाती है उसमें मैं नहीं जाना चाहता यहां तक क्लियर है तो जब मैंने ये सब क्यों बताया क्योंकि मुझे हमेशा अभी यहां पे एक बात लिखनी पड़ेगी इनकम टैक्स सेंट्रल लॉ है या स्टेट लॉ है अभी आपको क्लैरिटी आनी चाहिए कहां पर बताया गया है एंट्री नंबर एटी ऑफ यूनियन लिस्ट ऑफ यूनियन लिस्ट कौन से शेड्यूल में लिखा गया है सेवेंथ शेड्यूल में लिखा गया है ये सेवेंथ शेड्यूल कहाँ पे है आर्टिकल 246 में है और आर्टिकल 246 फोर्टी सिक्स कहाँ पे लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये समझ में आ गया आप लोगों को तो एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट सेवेंथ शेड्यूल आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स एक्सक्लूसिव पावर टू यूनियन गवर्नमेंट और पार्लियामेंट टू क्रिएट लॉज ऑन इनकम एक्सक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ही नहीं है एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स करने का एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स करने का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है क्योंकि यहां से एक्सक्लूड किया गया है तो एग्रीकल्चर को अगर कल टैक्स करना भी होगा तो हु विल डिसाइड दैट मैंने बोला ना एग्रीकल्चर को कभी ना कभी तो टैक्स करना चाहिए बहुत अमीर लोग भी है एग्रीकल्चर इनकम कमाने वाले तो वो डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट का है ही नहीं उसको पावर ही नहीं है आप चिल्ला नहीं सकते सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे कैसे टैक्स नहीं करती करना है तो स्टेट गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट अगर फार्मर्स को टैक्स करेगी तो लोग क्या करेंगे फार्मर के फेवर में जब लॉ बने उसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया उनके भले का लॉ बना तो प्रोटेस्ट किया टैक्स लगाने का लॉ बनाओगे मतलब उनके अगेंस्ट का लॉ बनाओगे तो तो सब जलाना ही चालू कर देंगे ये लोग इनको फ्री में सब कुछ चाहिए लेकिन भरना कुछ भी नहीं है लाइक like, देश के तीन लोग मिलके अगर एक क्लासरूम में सौ लोग होते तो यहां पे तीन लोग मिलके 97 लोगों का खर्चा उठा रहे मतलब टोटल सौ लोगों का उठा रहे लेकिन मैं अपनी जब मैं टैक्स पेयर हूं तो मुझे कितना बुरा लगता होगा कि तीन लोग कॉन्ट्रीब्यूट करते और सौ लोग खाते हैं इनकम टैक्स की आज हालत वो है दैट्स अ रीजन जीएसटी इज अ ब्यूटीफुल ला बताओ क्यों जीएसटी साला सब भरते है भी भरता है भिकारी ने भी अभी जाके अगर पार्ले जी बिस्किट खरीदा डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कर दिया उसने जीएसटी भर दिया तो फार्मर भी जीएसटी भरता है इनडायरेक्टली डायरेक्टली नहीं जितना भी कंजम्पशन बढ़ाएगा उतना जीएसटी का कंजम्पशन टैक्स और कंजम्पशन तो 140 करोड़ जनता पूरी कर रही है और जो भी कंजम्पशन करता है वो जीएसटी भरता है तो आई एम वेरी हैप्पी विद द मैकेनिज्म ऑफ जीएसटी बट नॉट हैप्पी विद मैकेजम ऑफ इनकम टैक्स क्योंकि हार्डली थ्री पॉपुलेशन हाइय साइड पर बता रहा हूं इज पेइंग इनकम टैक्स एंड तीन परसेंट लोग इतना इनकम टैक्स भर रहे हैं जिसमें पूरा देश का खर्चा गवर्नमेंट मैनेज कर रहा है और बहुत बुरा तब लगता है जब ये तीन परसेंट लोगों को गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं देता क्योंकि आप अमीर हो तो आपको हॉस्पिटल में फ्री में ट्रीटमेंट क्योंकि आप टैक्स पेयर हो आपका आई है आपको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी सिडर एज इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास तो आपको कॉलेजेस में कंसेशन नहीं मिलेगा आपको राशन की दुकान से राशन नहीं मिलेगा तो वेरी सैड रियालिटी और जो अमीर लोग है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जा रहे उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जा रहे वॉलेंटियरली भी नहीं जा रहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज नहीं करते दे हैव देर ओन ट्रांसपोर्ट उनकी खुद की गाड़ी से जाते हैं और दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हो तीस चालीस टक्का कम अमाउंट नहीं है ना बहुत बड़ी अमाउंट टैक्स लो दस टका लो पंद्रह टका लो बीस टका लो चालीस चालीस टक्का टैक्स लेते लोग क्यों क्योंकि बाकी लोग टैक्स नहीं भर रहे तो आपको एक ये, ये भी चीज समझ में आनी चाहिए अगर हमने देश में टैक्स बेस नहीं बढ़ाया तो टैक्स का रेट हमेशा ज्यादा ही रहेगा हमारे देश में टैक्स का रेट क्या होना चाहिए कम होना चाहिए टैक्स का रेट कम कैसे होगा जब ज्यादा लोग कॉन्ट्रीब्यूट पैसे तो हमें पैसे ज्यादा ही चाहिए देश चलाना है तो खर्चा बढ़ते जा रहा है तो वी वॉन्ट मोर मनी तो मोर मनी इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई लेस पीपल तो पर पर टैक्स पेयर टैक्स अमाउंट ज्यादा है और इसलिए फिर लोग चोरी भी करते हैं क्योंकि उनको अनफेयर लगता है ये गेम ही अनफेयर है इनकम टैक्स अनफेयर गेम है और इसकी वजह से ही लोग चोरी करने के लिए ज्यादा दिमाग लगाते हैं आपने पूरे इनकम टैक्स में वही देखोगे चोरी दि, लोग चोरी करेंगे हम एंटी चोरी सीखेंगे लोग चोरी करेंगे तो आपके मन में एक भी ये सवाल भी आएगा कि लोग चोरी कर क्यों रहे उसका लॉजिक बता रहा हूं आपको लोग चोरी इसलिए कर रहे क्योंकि सिस्टम ही अनफेयर है आप बहुत कम लोगों से बहुत ज्यादा टैक्स ले रहे हो आपको क्या करना चाहिए था बहुत ज्यादा लोगों से थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए था तो क्या आएगा पर पर्सन टैक्स का बर्डन कम आता तो लोग खुशी खुशी भर देंगे कि सब भर रहे हैं अब हो क्या रहा है जो भर रहा है बेचारा उसको पनिश किया जा रहा है और जो नहीं भर रहा है वो पच्चीस पच्चीस साल हो गए तीस तीस साल हो गए पास्ट में पैसे कमाए जा रहा है जमीन लिए जा रहा है प्रॉपर्टीज बनाए जा रहा है लेकिन उसका कोई हिसाब नहीं कोई किताब नहीं कोई कोई उसको पूछ नहीं रहा है क्योंकि वो गवर्नमेंट के मतलब वो जो रडार है उसमें से बच बच के करते जा रहा है आपके घरों में भी ब्लैक मनी होगी ब्लैक मनी मतलब ऐसा नहीं कि वो नोट का कलर काला होता है ब्लैक मनी मतलब सिंपली अनटैक्स मनी जिसके ऊपर आप अदरवाइज क्या भरने चाहिए थे टैक्स भरने चाहिए थे हर दुकान वाला हर बिजनेस वाला ठीक है ना थोड़ा ना थोड़ा, थोड़ा कैश में व्यापार करता ही और सब लोग टैक्स चोरी टैक्स की चोरी इज वन ऑफ द कॉमन और इनको लगता है ये बहुत अच्छी बिजनेस स्ट्रेटेजी है एंड दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस कि आपकी ये टैक्स चोरी की स्ट्रेटेजी की वजह से देर आर थ्री परसेंट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड या इंडिया का हु इज गेटिंग पनिश्ड उनको आप सजा दे रहे हो उनसे ज्यादा टैक्स लेके तो ये एक पेन पेन एरिया भी आपको टैक्स पेयर का समझ में आना चाहिए बट स्टिल ओके तो हमारा ये यूनियन लॉ है हमने पहला सेक्शन आपको तो ये हेडिंग देना आपने दी हेडिंग मैंने आपको आज नोटबुक लाने बोली थी हेडिंग इनकम टैक्स एक्ट 1961 हाँ उसके नीचे क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग मैंने बाद में लिखूंगा उसके बाद आपको नहीं समझेगा तो यू टू राइट डाउन अलोंग विथ मी तो सबसे पहले hmm. आपने क्या लिखा है एंट्री नंबर 82 यूनियन लिस्ट सेवेंथ शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 फोर्टी सिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ठीक है लिखा फिर मैंने आपको दूसरा बात क्या बताया था कल आवर एक्ट इज डिवाइडेड इन टू चैप्टर्स ठीक है ना चैप्टर्स आर डिवाइडेड इंटू सेक्शन सेक्शंस आर डिवाइडेड इंटू सब सेक्शन एंड इट इज इंटू क्लॉज इतना तो लिखो क्लॉजेस सब क्लॉजेस तक तो लिखो तो एक्ट है फिर चैप्टर है फिर सेक्शन है फिर सब सेक्शन है फिर क्लॉजेस है, फिर clauses है. धीरे धीरे उसका भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा कभी कभी सब सेक्शन नहीं होता डायरेक्टली सेक्शन के बाद क्लॉज भी चालू होता है जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही जाए वो सिक्वेंस चेंज करते रहते वो लोग अपने हिसाब से सब सेक्शन मतलब ऐसा कोई एक सेक्शन होना चाहिए जिसको चार में डिवाइड करने का कोई लॉजिक है तभी उसको सेक्शन बोलते नहीं तो डायरेक्टली दे स्टार्ट विदेस All right, we have वी वी हैव स्टार्टेड लर्निंग इनकम टैक्स इन सेक्शन सेक्शन मैटर बताओ पहला सेक्शन हमने क्या पढ़ा था कल सेटा स्कोप एक्सटेंड टाइटल एंड एप्लीकेबिलिटी मैंने आपको लिख के भी दिया था कि भैया स्कोप क्या है स्कोप क्या है टू टैक्स क्या क्या क्यों आया था स्कोप एंड ऑब्जेक्ट मतलब बोलते हैं। इसका क्या ऑब्जेक्ट था टू टैक्स incomes, लेकिन अदर देन एग्रीकल्चर इनकम इफ यू रिमेंबर ठीक है ना दूसरा क्या था मैंने बताया था इसका एक्सटेंड एक्सटेंड क्या बताया था होल ऑफ इंडिया ठीक है ना पूरा इंडिया इसके ऊपर है इंडिया मतलब खाली लैंड मार्क्स क्या जी नहीं साहब लैंड मार्क्स प्लस ट्वेल्व नॉटिकल माइल ये होता है इसको बोलते हैं टी डब्ल्यू आई टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया और इसके ऊपर का एयरबेस वो भी याद रखो ठीक है ना एक थोड़ा और एडिशन कर देता हूं इसमें जनरल नॉलेज के हिसाब से इसके बाद 200 हंड्रेड नोटिकल माइल्स तक भी इंडिया होता है ठीक है ना लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये इंडिया है कि नहीं है ये कन्फर्मड है पहले वाला 12 नॉटिकल माइल्स बाय डिफॉल्ट इंडिया है इसको हम ई जेड बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यहां पे जब ऑयल रिग लगती है क्या लगती है ऑयल रिग ऑयल रिग मतलब जो ऑयल क्या करता है वो जमीन से एक्स्ट्रा करता है ये बहुत नीचे तक गया रहता है ठीक है ना और वो एक्सट्रैक्शन करता है ऑयल्स को तो ये ऑयल रिग अगर लगी होगी तो यही इंडिया है दिस ऑयल रिग इज इंडिया समझ में आ रहा है तो ये पानी ये जो 188 नॉटिकल माइल्स का पानी है ये इंडिया के लिए क्या किया गया है रिजर्व किया गया इसको नाम देखो ना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब इधर इस पानी में अगर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी होगी तो वो भारत करेगा हम नहीं कर रहे करके श्रीलंका पाकिस्तान चाइना नेपाल भूटान के वहां पे एक्टिविटी नहीं कर सकता है कैन वी डू द एक्टिविटी इन ओपन सी सर ओपन सी मतलब इंटरनेशनल सी हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं लेकिन क्या ये इंडिया है नहीं ये इंडिया नहीं है ये टू हंड्रेड माइल्स के बाहर जाओगे तो वो इंडिया बनी नहीं सकता मैक्सिमम इंडिया कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 200 आपको समझ रहा है क्या 12 तक तो बाय डिफॉल्ट इंडिया है 12 के आगे इंडिया बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता कभी बनेगा जब आप वहां पे क्या कर रहे हो कोई इकोनॉमिक ऑपरेशंस कर रहे हो ये क्यों किया गया ये ऑयल रिक को इंडिया क्यों बनाया गया पहले तो मुझे बताओ यहां पे कोई टकला अगर सैलरी कमा रहा है आपके पास कभी बहुत रेयरली ऐसा क्लाइंट आता है जो नॉटिकल बारह नॉटिकल माइल्स के बाहर जाके क्या करता है जॉब करता है ऑयल रिग पे भी कुछ लोग जॉब करते रहेंगे ना दुनिया भर के ऑयल रिग है हमारे ओ के रिलायंस के तो इन ऑयल रिग पे अगर कोई एम्प्लॉई है और पूछता है मेरा सैलरी कहां टैक्स होगा तो आप क्या बताओगे तो इंडिया में होगा वो बोलेगा, वो बोलेगा इंडिया तो बारह नोटिकल माइल पे खत्म हुआ का सर वो बारह नोटिकल माइल पे खत्म हुआ लेकिन आप लोगों के लिए ना इंडिया जो है ना वो टू हंड्रेड नोटिकल माइल्स तक है समझ में आ रहा है आपको ये नॉर्मल मूविंग बोट है क्या नॉर्मल नॉर्मल बोट है क्या ये नॉर्मल बोट नहीं है ये स्ट्रक्चर है फैक्ट्री है पूरी की पूरी जो वहां खड़ी है कहीं पे तो समझ में आ रहा है और वहां नीचे से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रही है ओके okay? तो ये परमानेंट काइंड ऑफ इट्स नॉट परमानेंट परमानेंट लेकिन सेमाई परमानेंट है ये ये मुंह नहीं करता एक बार फिट हो गया तो उधर ही रहता है ये समझ में आ रहा है आपको तो ये भी इंडिया है थोड़ा थोड़ा टेक्निकल है जाने दो इतना इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा आपको कि 200 के बाहर भी जाके जब कमाओगे तभी भी आपको टैक्स लगेगा देन स्कोप हो गया एक्सटेंड हो गया फिर इसका हमने क्या पढ़ा था टाइटल टाइटल हमारा कौन सा है लॉन्ग है कि शॉर्ट है शॉर्ट टाइटल है ठीक है ना और फिर मैंने एप्लीकेबिलिटी पढ़ाया था कि भैया हमसे ये एप्लीकेबल है तो फर्स्ट अप्रैल 19 इसके बाद हम यूजुअली इस सेक्शन को टच नहीं करेंगे ठीक है ना तो दिस सेक्शन इज डन सेक्शन नंबर वन हो गया चलू आगे रफली आपको लिखना है बस थोड़ा थोड़ा रनिंग नोट्स कैसे लेते हैं वैसे लिखना है वी आर नॉट राइटिंग इन डिटेल डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हमारा एक्चुअल सिलेबस स्टार्ट होगा अभी खाली बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं हम लोग लिखोगे तो याद रहता है इसलिए लिखने का हमेशा प्रैक्टिस करने का